भागलपुर के सनौला में हुए घटना के बाद लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा था, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है सहबाद के घर पे। ये वो घर है, आप देख सकते हैं, हालांकि उसे विक्षिप्त घोषित किया गया है। ये वो कमरा है, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं यही वो कमरा है जिसमें सहबाद को बंद करके रखा जा रहा था। बताया जा रहा है कि घटना के दिन भी उसे इसी कमरे में बंद किया गया था, हालांकि टॉयलेट के लिए वो निकला और इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ उनकी माँ है, हम उन्हीं से जानेंगे क्या था सहबाद को। क्या होता था सहबाज को? सहबाज को दिमागे गरम होता है, दिमाग गरम। हाँ, देखा लिया डॉक्टर सेंटर भागलपुर में देखा, अब पैसा जोगाड़ लगा लिए सर, क्या जांच करी घोड़ा देखावे माथार जो जे होय जे ओ देखावे तो बेटा लोग ने घटना करी दल के तुम केनो देखाथियो से टाव टा सब लिख के देले आल में अब उधर ले चुके हमरा ख्याल है नहीं सुन। कैसे उसको घर में रखते थे? है? उसको घर में कैसे रखते थे? बांध करी के रखे छलिए, बंद करके रखते। हां, बांध करके सर पांच रे बन्ने करी रखे लिए और जहां लगे मैं साथ में लगे और साथ आई मुने लिए ओकरा में कोनो बार कर ना दे लिए ओकरा में। आपका क्या नाम हुआ? खतरे खतरे। हमारे साथ उनकी माँ थी, हमारे साथ उनके साथ भी रहने वाले कुछ युवक हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे वो रहते थे यहाँ पे? उसको गांव में पहले मीटिंग हुआ था, उसका जो मेंटलिटी चेक किया गया, गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा मतलब लड़का में लड़का किया था आपस में, तो उसको गांव में मीटिंग बैठा आपस में चार आदमी बैठ के उसको मेंटलिटी चेक किया, गाँव वाले ने उसको बंद करने के लिए सलाह दिया और इलाज करवाने के लिए। उसकी अम्मी और अब्बू पैसा जुटा रहे थे कि आज या कल लेके अरुण कुमार सिन्हा के पास जाएंगे दिखाने के लिए। तब तक गाँव वाले को किसी को ये खबर नहीं थी कि रातों रात ये कांड कर दिया है, और अचानक सुबह पुलिस आई और दूसरे दिन आज यानी आज उसको भागलपुर लेके जाने वाला था। उसके पापा के द्वारा हमको जानकारी मिला कि कल लेके जाएंगे सोमवार को भागलपुर, उसको दिखाएंगे, और किसी को खबर नहीं थी। सुबह पुलिस आई, पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने अपना जुर्म खुद यहाँ घर पे ही कबूल कर लिया कि मैंने तोड़ा है सबके सामने में। कैसे रहता था आप लोग के साथ? हम लोगों के साथ नहीं रहता था, अपने मम्मी पापा, उसका मेंटलिटी जो उसके गौ का लड़का भी उसके साथ कोई घूमने के लिए नहीं चाहता था, कोई उसके साथ नहीं रहता था। उसका पापा दिन भर काम पे जाते हैं, मजदूर है, और रात में आते हैं, उसको दिन भर मम्मी देखभाल करती है, रात में उसके पापा कुछ भी करते हैं, उसके पापा लेटरिंग बाथरूम कहीं भी जाता है साथ में लेके जाता था। लेकिन पापा उसका थोड़ा हल्का बूढ़ा है, अभी जवान है, अचानक से छिटक गया, कुछ भी हो गया तो वो निकल गया। एक ही भाई है? नहीं, ये चार भाई है, जो कि एक भाई इसका आपत्तिजनक कोरोना में लॉकडाउन में दिल्ली में उसका एक भाई खो गया, ये तीन नंबर का भाई है, इसका मेंटलिटी हालत सही नहीं, और दो भाई बाहर में भी है, बाहर में काम करता है, मजदूर है। अच्छा, बंद करके रखते थे? हाँ, बंद करके इसको रखा जाता था, इसको गांव वाले के तरफ से इसको पूरा ये कर अपने निगरानी में इसको रखो, तो ये अपना जहाँ तक हुआ वह अपना निगरानी में रखते थे। उस दिन रात क्या हुई जो ये निकल गया था? ये नहीं पता सर, ये टाइम नहीं पता है, लेकिन इसको जैसे कि पता चला इसके मम्मी और पापा के द्वारा सुबह कि हमने इसे 9 बजे खाना खिला के बंद कर दिया गया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरीफ आलम। हमारे साथ जो ग्रामीण है वो भी मौजूद थे, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उसको यहाँ पर बंद करके रखा जाता था, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, हालांकि दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, इससे पहले भी मानसिक स्थिति का इलाज कराया गया था, लेकिन वहाँ से उन्हें रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद ये लोग दिखाने के क्रम में उन्हें यहाँ लाया गया था, और दिखाने के लिए जाते उससे पहले इस घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आगे विधि सम्मत कार्रवाई क्या की जाती है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।